कोलकाता ही हवाई अड्डे से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी, ये दावा किया है पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका भरोसा दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि डोमेस्टिक फ्लाइट के साथ कार्गो सेवा भी शुरू होगी, इससे लीची के निर्यात में आसानी होगी। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर से सटे वैशाली में बौद्ध तीर्थ यात्री आते हैं, साथ ही सीतामढ़ी में माता सीता का जन्म स्थल है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसे में हवाई सेवा शुरू होने से उन लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। रीजनल कनेक्टिविटीज के एयरपोर्ट जो सरकार द्वारा निर्माण का कई एक जगह हुआ है, उसमें मुजफ्फरपुर भी प्रायोरिटी में है। और मिनिस्टर सिंधिया जी ने कहा कि हम प्रायोरिटी में है और हम वहाँ से हवाई जहाज उड़ाने की व्यवस्था का फाइल प्रोसीडिंग में है और इसको वहाँ से उड़ाया जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि इसका प्रोसेस में ये फाइल चल रहा है, समझा। उसका जल्दी फिर उसका इंस्पेक्शन होगा, लैंड भी कुछ एक्वायर्ड होगा जहाँ तक हो सकता है।